हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल इन्वेस्टमेंट का बाजार। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डिटेल में सेल शेयर के ऊपर, क्योंकि दोस्तों मार्केट में आपको एक ब्लड बाथ आता हुआ देखने को मिल रहा है। आज निफ्टी में 400 पॉइंट से गिरावट आती हुई देखने को मिली है। मोर ओवर अगर अपन निफ्टी मेटल की बात करें तो 5000 के स्तरों पर निफ्टी मेटल इंडेक्स आता हुआ देखने को मिल रहा है। अपने 52 हफ्तों के लो सेल मात्र 400 पॉइंट्स ऊपर आपको निफ्टी का मेटल इंडेक्स कामकाज करता हुआ देखने को मिल रहा है। और इतनी गिरावट के कारण आप देखिए सेल शेयर में आज एक भारी गिरावट आती हुई देखने को मिली। बट डेफिनेटली कंपैरेटिवली मेटल इंडेक्स एंड निफ्टी के स्टॉक में आज लोअर लेवल से रिकवरी नजर आती हुई देखने को मिली है। स्टॉक अपने आज एग्जैक्टली अपने 52 वीक लोस से थोड़ी सी रिकवरी करता हुआ देखने को मिल रहा है। क्या ये खरीदारी का मौका है या फिर अभी आपको वेट करना है? और क्या होगा 14 जून के दिन? क्या 14 जून में भी गिरावट स्टॉक में होती हुई देखने को मिलेगी? जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टील अथॉरिटी की क्लोजिंग की अगर बात कर ले तो 71.55 रुपीज़ पर शेयर ने क्लोजिंग दी है। लगभग 2.39% की गिरावट आपको सेल में आती हुई देखने को मिली है। एंड अगर अपन निफ्टी मेटल्स की बात करें तो निफ्टी मेटल इंडेक्स अकेला कुल मिलाकर 4% की गिरावट करता हुआ देखने को मिला है। तो डेफिनेटली मेटल इंडेक्स आज काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में रहता हुआ देखने को मिला है। और जो गिरावट हुई है वो मेटल इंडेक्स में काफ़ी ज़्यादा आती हुई देखने को मिली है। एंड अगर अपन बात कर लें इसकी 52 वीक लो की, तो आप क्लियरली इधर देख सकते हैं 4858 का लो है और अभी लगभग 5000 पे निफ्टी का मेटल इंडेक्स कामकाज कर रहा है। तो डेफिनेटली काफ़ी कम फासला है, 400 पॉइंट्स भी नहीं, 150 पॉइंट्स का फासला रह गया है अपने 52 हफ्तों के लोज से। एंड आज के लो की अगर बात करें तो 4977 का आज के दिन लो लगता हुआ देखने को मिला है। बस कल के दिन दोस्तों मार्केट में थोड़ा बहुत पुल बैक आ जाए तो ये दूरी जो है मेटल इंडेक्स के लोज से थोड़ा दूर होता हुआ देखने को मिलेगा। एंड अब अगर बात कर ले मार्केट्स की, तो दोस्तों निफ्टी में खुद में करीबन 2.64% की गिरावट थी। तो स्टॉक में गिरावट होना लाजमी थी। और आप अगर कंपैरेटिवली जज करें तो आप देख सकते हैं 2.64% की गिरावट निफ्टी में और 2.39% की गिरावट सेल में। तो डेफिनेटली सेल ने कंपैरेटिवली आज ज़्यादा अच्छा कामकाज किया एज कंपेयर टू मार्केट। एंड अगर अपन बात कर ले आज के लो की, तो 15684 का लो आज निफ्टी ने लगाया है और निफ्टी का 52 वीक लो जो है वो है 15450 का। तो डेफिनेटली मार्केट ने आज लो तो लगाया है। और एग्जैक्टली अगर अपन बात करें तो स्टॉक मार्केट फिर से जो यूक्रेन के टाइम पे वॉर सिचुएशन हुई थी, जब इंडेक्स यहाँ तक आया था, फिर से इंडेक्स लगता है दोस्तों 15450 तक आता हुआ देखने को मिल सकता है। अब अगर बात कर ले सेल की, तो आप देख सकते हैं 69.50 रुपीज़ का स्टॉक का लो है 52 वीक लो और 146 रुपीज़ का इसका 52 वीक हाई है। हाइयर लेवल से नो डाउट स्टॉक ने काफ़ी ज़्यादा गिरावट करी है। लेकिन दोस्तों डेफिनेटली ये जो मेटल इंडेक्स है ये चाइना के आप कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन के कारण होता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो मेटल की डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती हुई देखने को मिल रही है। हर जगह मेटल आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, प्लस डंपिंग ग्राउंड का भी मामला सेल के मामले में निकल कर आया था, जिसके कारण सेल में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आती हुई देखने को मिली है। और आज की अगर बात करें तो 30 मिलियन की पार्टिसिपेशन आज स्टॉक में होती हुई देखने को मिली है। 30 मिलियन की वॉल्यूम आज शेयर दिखाता हुआ देखने को मिला है। एंड अगर अपन बात कर ले स्टॉक के सपोर्ट लेवल्स की, तो आप देख सकते हैं 72.50 का सपोर्ट शेयर तोड़ चुका है। लेकिन डेफिनेटली 71 रुपीज़ एक बहुत अच्छा सपोर्ट है स्टॉक के लिए, क्योंकि अगर वहाँ से नीचे गिरता है शेयर तो डेफिनेटली जो 69.50 है वो उसका 52 वीक लो है। और अगर वापस से शेयर ने 52 वीक लो रीटेस्ट किया तो गिरावट जो है वो वापस से शेयर में बन सकती है। इसलिए डेफिनेटली 69.50 अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है और मार्केट्स डेफिनेटली यहाँ से घूम सकते हैं। क्योंकि जब लास्ट टाइम आपने देखा होगा कोरोना टाइम में मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी करी, उसके बाद आप देखें तो एक गिरावट आई आपको यूक्रेन वॉर के टाइम पे, उस टाइम पे मार्केट ने गिरावट करी देन रिकवरी करी। एंड अभी भी दोस्तों डेफिनेटली इन्फ्लेशन का कुछ मामला ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने तक रहने वाला है, उसके बाद डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो मार्केट आपको करता हुआ देखने को मिलेगा। और यहाँ से डेफिनेटली आपको मार्केट्स में ज़्यादा गिरावट अब नहीं देखने को मिलेगी और मार्केट फिर से रिबाउंड करने की कोशिश कर सकता है और कल से डेफिनेटली मार्केट्स बढ़ना शुरू कर सकते हैं। अब अगर बात कर ले स्टॉक के चार्ट्स की, तो चार्ट्स पर क्लियरली मेंशन है 6 महीने में करीबन दोस्तों स्टॉक आपको हायर लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट होता हुआ देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 50% 60% का करेक्शन स्टॉक में आ चुका है फ्रॉम इट्स हाइज। जी हाँ दोस्तों, फ्रॉम इट्स हाइज से 60% का करेक्शन शेयर के अंदर आ चुका है। और अब अगर बात कर ले जो सपोर्ट बचता है स्टॉक का, वो एक ही सपोर्ट है जो कि 69 रुपीज़ का। 69 रुपीज़ के लेवल से डेफिनेटली स्टॉक आपको गिरता हुआ नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर अपन देखें तो लॉन्ग टर्म के अगर अपन चार्ट्स खोले, मैक्स चार्ट्स खोले,
तो ये शेयर ने सेल ने लगभग 300 रुपए तक का आंकड़ा भी छुआ है, देन गिरा शेयर, देन फिर अगेन 300 आंकड़ा छुआ। लेकिन 2016 से 2020 की बात करें तो 2016 से 2020 में कंपनी के हालात सुधरते हुए देखने को मिले कंपैरेटिवली गिरने के। कंपनी ने इतना शानदार डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दिया है और यहाँ से जो गिरावट है वो मैक्स टू मैक्स दोस्तों आप देख सकते हैं 69 रुपीज़ तक जाते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि चार्ट पर क्लियरली विजिबल हो गया कि अब जो है ये शेयर आपको रिवर्सल देने के संकेत दे रहा है कंपैरेटिवली गिरावट के। प्लस अगर अपन मेटल्स की बात करें तो जिस हिसाब से मेटल्स आपको प्रेशर में आते हुए देखने को मिल रहे हैं, टाटा स्टील 1000 रुपये का आंकड़ा शेयर ने छुआ अपना ऑल्ट, आप कह सकते हैं 50 वीक लो पे शेयर कामकाज कर रहा है। सेल एग्जैक्टली अपने 50 वीक लो से 3-4% ऊपर कामकाज कर रहा है। तो डेफिनेटली अभी टाइम आ गया है मेटल इंडेक्स को आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा और अपने 50 वीक लो से एक अच्छे बाउंस बैक आपको मेटल इंडेक्स में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। एंड अब अगर बात कर ले लेवल्स की, किस लेवल्स पर आपको स्टॉक को कल के दिन बाय करना है, तो मेरी यही सलाह है कि कल के दिन दोस्तों 70-50 के ऊपर अगर शेयर निकलता है तो डेफिनेटली आप स्टॉक में परचेस कर सकते हैं और इंट्राडे के अंदर दोस्तों 3-4% तक का मूव आपको सेल शेयर में कल के दिन डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। और अब रुझान जो है वो सेल की तरफ पॉजिटिव की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब डेफिनेटली स्टॉक आपको ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। RSI पर भी दोस्तों काफी खराब लेवल स्टॉक में आते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली आप खरीदारी कर सकते हैं सेल के शेयर में और अच्छे टारगेट्स आपको मीडियम टर्म में स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों दैट्स इट फॉर वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।